हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, हमारे सामने खड़ी है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक 2.0। आइए जानते हैं क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या न्यू चेंजेस है। सो सबसे पहले मैं की से स्टार्ट करूँगा। की आपको देखने को मिल जाती है नॉर्मल सी की। और चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बड़े चेंज की। तो आपको हेडलाइट इसमें फुल्ली LED मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रीवियस वाली जनरेशन में आपको यहाँ पर सिर्फ LED DRL मिलती थी, बट इसमें आपको LED DRL प्लस LED मिल जाती है हेडलाइट, जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाली। और फ्रंट से आपको इसका लुक एस शेप का दिखेगा, जो कि काफ़ी अच्छी दिखती है, प्रीमियम सी वाइब देती है। और साइड की अगर बात करूँ चेंजेस की, तो आपको इंडिकेटर्स चेंज मिल जाते हैं। ये आपको पैशन प्रो वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल भी हैं। और वहीं तीसरी चेंज की बात करूँ, तो ये आपको जो वाइज़र है थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। हल्का सा इसका डिज़ाइन को चेंज किया गया है हीरो की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। और फ्रंट वाइज़र में आपको यहाँ पे ये स्टिकर मिल जाती है। ये आप मैट ग्रे देख रहे हैं, तीन कलर ऑप्शन के साथ आती है, रेड और ब्लैक। और यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे स्प्लेंडर लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए होल्डर मिल जाती है। और यहाँ पे एक आपको स्क्रू मिलता है, जिससे आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं अपने हेडलाइट को, लो बीम और हाई बीम को सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। फोर चेंज यही है। और अगर मडगार्ड की बात करूँ, तो आपको बॉडी कलर में मिलने वाली, मैट ग्रे में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ, तो आपको टेलीस्कोपिक मिलने वाले, जो कि ब्लैकआउट रहने वाले। और एलॉय व्हील की बात करूँ, तो 5 spoke में मिलने वाले, ये भी आपको ब्लैकआउट मिलती है। और अगर टायर साइज़ की बात करूँ, तो आपको देखने को मिल जाती है 18 इंच के इसमें एलॉय व्हील मिलते हैं, जो कि ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं, जो कि सीएट की तरफ से आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सीएट का मिल जाता है टायर, जो कि काफ़ी अच्छे ग्रिप मिलते हैं। फ्रंट से आप देख सकते हैं इसकी ग्रिप। और अब साइड लुक की बात करूँ, तो एक बार आप साइड लुक देख लो, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राफिक यूज़ किया है हीरो ने। यहाँ पे आपको ऑरेंज के एक्सेंट मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। और टैंक की बात करूँ, तो टैंक आपको फुल्ली मेटल में मिलने वाली है। यहाँ पे आपको 3D में हीरो की लोगो मिलने वाली है, और हीरो की ब्रांडिंग दोनों आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ब्लैक ग्रे का फिनिश मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही है। और इसकी अगर कैपेसिटी की बात करूँ, तो आपको 9.8 liters की मिल जाती है। और माइलेज जो क्लेम करती है कंपनी अभी, वो 73 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, वो तो आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। और जी 6 चेंज की मैं बात करूँ, ये यूटिलिटी बॉक्स आपको अब हिंज के साथ आती है। पहले आप जब इसको ओपन करते तो ये हाथ में आ जाती थी, बट अब इसे हिंज से इसको सिक्योर कर दिया गया है। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो बस आपको यहाँ पर की इंसर्ट करनी है। एक बार आप की इंसर्ट कर लो, फिर ऐसे करके इसको ओपन करोगे, तो ये जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हो, और ऐसे करके आप बंद भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साइड पैनल की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको स्प्लेंडर प्लस की मिल जाती है ब्रांडिंग, जो कि 3D में रहने वाली है। यहाँ पे एक्सटैक 2.0 मिल जाती है, और यहाँ पे भी ऑरेंज का यूज़ आपको मिल जाता है देखने को। और इंजन की बात करूँ, इसमें आपको सेम 97 cc एयर कूल 4 stroke 2 valve के साथ आने वाली है, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है ऑलमोस्ट 7.9 hp की। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ, तो आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है 8 Nm का टॉर्क, जो कि काफ़ी अच्छी है इस बाइक के हिसाब से। और यहाँ पे आपको सिल्वर में लेग गार्ड मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें आपको किक भी मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको रियर ब्रेक पैडल मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट भी चेंज मिल जाता है। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन अगर आप प्रीवियस वाले में देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको ऐसा एंगल में मिलता था, बट आपको इसको अब राउंड कर दिया गया, जो कि काफ़ी प्यारा दिख रहा है। और यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आपको एक सिल्वर प्रोटेक्शन मिलने वाली है, जो कि आप डिलीवरी लेंगे उस टाइम आपको इंस्टॉल मिलेगी। अभी ये स्टॉक यार्ड से आई, तो थोड़ी सी गंदी भी है, माइंड मत करिएगा उसके लिए। और सीट की बात करूँ, तो सीट को भी थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया गया है, जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल रहने वाली है। और सीट हाइट की बात करूँ, तो आपको 795 mm का मिलना है, जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप आराम से इसको राइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको रेयर पैनल पर मिल जाती है i3S की बैजिंग, जैसे कि देख सकते हैं आप। और रियर की बात करूँ टायर सेक्शन की, तो इसमें आपको सेम मिलने वाले फ्रंट जैसे ही 18 इंच के अलॉय व्हील मिलने वाले, जो कि ट्यूबलेस टायर के साथ आने वाले हैं। और अलॉय व्हील भी आपको सेम ब्लैकआउट मिलने वाली है। और ट्विन सस्पेंशन मिलने वाले हैं इसमें, जो कि एडजस्टेबल है, आप अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको रेयर फुटरेस्ट मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट का नोट सुना देता हूँ। सो कैसा लगा एग्जॉस्ट का नोट, आप कमेंट जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अगर ग्रैब रेल की बात करूँ, तो आपको सेम मिलता है, जो कि नहीं चेंज किया गया, जो कि ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। और अगर रेयर टेल सेक्शन की बात करूँ, तो इसमें आपको एस शेप का मिल जाता है लाइट, जो कि हैलोजन पे रहने वाला है। यहाँ पे आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कैसा लुक रहने वाला है। तो ऐसा कुछ आपको लुक मिलने वाला है पार्किंग में, और जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो ये और डार्क हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
साइड में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि चेंज है। और इसकी अगर रेयर फेंडर की बात करूँ तो ये भी आपको चेंज मिलता है क्योंकि इंडिकेटर के हाउसिंग को चेंज किया गया है, तो ये पूरा रीडिज़ाइन किया है हीरो ने, जो कि काफ़ी अच्छी स्पोर्टी दिख रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको तो थोड़ा सा अपलिफ्ट मिल जाता है जिससे मड वगैरह ऊपर नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और चलिए अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड आपको सिमिलर मिल जाती है जैसे कि देख सकते हैं राइट साइड जैसी सिमिलर मिलती है। यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाती है जो कि मेटल में रहने वाली है, ब्लैक फिनिश में, एक बार आप देख लो। और यहाँ पे आपको लेडी फुटरेस्ट भी देखने को मिलता है, यहीं पे अटैच है, जब आप डिलीवरी लेंगे तो वो आपको इंस्टॉल मिल जाएगा। और जो एक और चेंज की बात करूँ तो पहले आपको ये मेटल में मिलती थी बट ये आप फाइबर में कर दी गई है, जिससे आपको रस्ट वगैरह का कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसा कुछ आपको रियर फुटरेस्ट मिल जाता है। और इंजन कट ऑफ फीचर तो पहले भी आता था जो कि काफ़ी अच्छी रहती है सेफ्टी के लिए। और आपको मेन स्टैंड भी मिल जाता है जो कि पहले भी आता था। और गियर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी स्मूथ रहने वाले हैं। और इस साइड से आप लुक देख लो एक बार इंजन का, फुल्ली ब्लैक मिलता है आपको, मैट ब्लैक में, जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको प्रोग्राम FI की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि क्रोम फिनिश में रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। और इसमें एक और फीचर आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं DRL तो आपको देखने को मिल ही जाती है, और यहाँ पे अगर आप विदाउट स्टार्ट किए हुए बाइक को अगर पास का स्विच दबाते हैं तो ये पास वर्क करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी सेफ्टी हो जाती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीटर की, तो मीटर इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है। एक बार मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ एनिमेशन आपको मिलेगा देखने को, यहाँ पे लिख के आएगा हेलो माय हीरो, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और इसकी अगर इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाती है डिजिटल में, नीचे में आपको ओडोमीटर मिल जाती है, यहीं से आप मोड बटन को एक्सेस करके ट्रिप बी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल में मिलने वाली है फ्यूल गॉज, और नीचे में आपको एवरेज फ्यूल दिखाने वाली है जो कि रियल टाइम रहने वाली है, जो कि प्लस पॉइंट हो जाती है, आप रियल टाइम देख के माइलेज बाइक से अच्छा निकाल सकते हैं। और साइड में आपको सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, क्योंकि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है मीटर। और क्रोम सराउंड मिलने वाली है। और जो नेक्स्ट चेंज है वो आपको ये डैशबोर्ड में मिलने वाली है, जो कि पहले डैशबोर्ड थोड़ी अलग आती थी, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा। ये आपको चेंज है जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है। और साइड में आपको USB चार्जर मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं USB पोर्ट, आप अपना फ़ोन ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मेन जो इसकी चेंज की बात करूँ, आपको इसमें अब हज़ार्ड लाइट आ जाता है, पहले काफ़ी लोग इसको मॉडिफाई करके फ्लैशर वगैरह लगाते थे बट अब कंपनी ने इसे फैक्ट्री फिटेड कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी दिखती है। एक बार मैं रियर से भी दिखा देता हूँ, रियर से ऐसा कुछ लुक रहने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी है। और जो मेन मुझे पर्सनली जो कि काफ़ी अच्छा लगा, ये इसकी स्विच क्वालिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम कर दी है, आपको लगेगा नहीं कि ये 1 लाख के अंदर वाली बाइक है। और इसकी अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूँ मैं अपने शहर की धनबाद की, तो आपको देखने को मिल जाती है 98,600 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप अपने नज़दीकी डीलरशिप में पता कर सकते हैं, और अगर आप धनबाद से हैं तो मैं इनका एड्रेस और नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आ सकते हैं। और एक्स शोरूम दिल्ली की प्राइस की बात करूँ तो आपको 82,000 से शुरू हो जाती है, जो कि शहर टू शहर वेरी करती है। और चलिए बात कर लेते हैं पास स्विच की, तो यहाँ पे आप पास स्विच जैसे कि देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको हॉर्न का मिल जाता है जो कि सिंगल टोन में रहने वाली है। और ग्रिप की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। और क्लच इसमें आपको काफ़ी लाइट मिलता है, जो कि काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको ट्रैफिक में चलाने के लिए। और दूसरी साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको i3s ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, जो कि अगेन ये भी काफ़ी प्रीमियम है। और सेल्फ की बटन को भी चेंज कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अगेन प्रीमियम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लोज लुक देख लो आप एक बार। और यहाँ पर भी ग्रिप आपको काफ़ी कम्फर्टेबल मिलती है। सो यही कुछ था वीडियो में, इसी टॉपिक के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।